नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी तीसरी लहर को लेकर डर बना हुआ है। जी हां, दरअसल SBI ने एक रिसर्च किया है और रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार उनका ये मानना है कि तीसरी लहर जो है वो अब जल्द ही आ सकती है। यानी कि उनका ये मानना है, रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दावा किया है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में तीसरी लहर आ सकती है और ये संक्रमण धीरे धीरे ज्यादा फैल सकती है। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है, यानी ये मानना है कि अभी जुलाई चल रहा है और एक महीने के बाद ही तीसरी लहर का असर धीरे धीरे नजर आते हुए दिखेगा। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण के बावजूद दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। इस मामले में इजराइल की बात की गई है। इजराइल के बारे में कहा गया है कि इजराइल की 60% आबादी का पूरा तरह से टीकाकरण हो चुका है और यहाँ तक कि इजराइल में भी जो है कोरोना के संक्रमण के मामले वो बढ़ ही रहे हैं और 60% आबादी का टीकाकरण हो चुका है और यहाँ इसराइल के 12 से 18 साल के 33% बच्चों को भी टीके की जो पहली डोज है वो लग चुकी है। वहीं हम रिपोर्ट के अनुसार इसराइल की बात की गई है कि इसराइल में 60% आबादी का जो पूरा तरह से टीकाकरण हो चुका है, यहाँ तक कि इसराइल के 12 से 18 साल के 33% बच्चों को टीके की पहली डोज भी लग चुकी है, जिसमें कि 23.8% को दोनों डोज लग चुके हैं। इसके बावजूद इसराइल में जो है कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी टीकाकरण होने के बावजूद भी यहाँ पे संक्रमण थम नहीं रहे हैं। भले कम हुआ है लेकिन संक्रमण के नए मामले सामने आ ही रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारत में अभी तक सिर्फ 4.6% आबादी का ही पूरी तरह से टीकाकरण हो पाया है और 20.8% लोगों को टीके की सिर्फ पहली डोज ही मिली है, जो आबादी के फीसदी के लिहाज से अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, स्पेन, फ्रांस के मुकाबले कम है। और हम साथ ही आपको बता दें कि जो अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में कोरोना के ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और राजस्थान जैसे प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में करीब प्रति 10 लाख पर होने वाली मृत्यु दर है। वहीं हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश के मुकाबले इन जगहों पे जो है वो मृत्यु कम हो रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस जैसे देशों में डेल्टा स्ट्रेन भी पाए गए। भारत में भी डेल्टा प्लस वेरियंट के 91 मामले 12 राज्यों में पाए गए हैं। यानी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो पिछले 7 दिनों से कोरोना के नए मामले 45,000 के आसपास हैं। कोरोना की पहली लहर में हम बता दें कि किस दिनों तक 45,000 के आसपास नए मामले रहने के बाद इन मामलों में संख्या जो है वो तेजी से गिरावट हुई थी। यानी कि SBI ने रिसर्च के अनुसार ये रिपोर्ट जारी की है कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी दूसरी लहर का जो असर है वो कम हुआ है और साथ ही साथ तीसरी लहर के बारे में उन्होंने कहा कि तीसरी लहर जो है वो अगस्त के थर्ड वीक तक तीसरे सप्ताह तक वो आ सकता है। यानी कि तीसरी लहर के आने का चांस अभी एक महीना का ही समय है कि एक महीना के अंदर ये तीसरा लहर आ सकता है और बच्चों पर, वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना गया है कि बच्चों पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा, तो बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहीं हम बिहार की बात करें तो बिहार में दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया, तो कल अनलॉक 4 की प्रक्रिया जो है उसकी घोषणा कर दी गई, यानी 7 जुलाई से अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें कि स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया गया है और रेस्टोरेंट को भी 50% उपस्थिति के साथ खोला गया। स्कूल में भी जो बच्चे हैं वो 50% की उपस्थिति में भी बच्चे प्रेजेंट रह सकते हैं। तो इसी के साथ जो है अनलॉक 4 की घोषणा भी हो गई है बिहार में, लेकिन अभी भी बच्चों को, यहाँ के लोगों को कोरोना से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि रिपोर्ट में यह जाहिर हो गया है कि अभी कोरोना का तीसरा लहर जो है वो आएगा और तीसरे लहर में ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बच्चों पे ज़्यादा अपना असर डालेगा। इस कारण तीसरी लहर का असर अभी अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो बच्चे अगर स्कूल जाते भी हैं
हालांकि 11, 12 के बच्चों के लिए ही स्कूल खोले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे जाते हैं स्कूल तो वो मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, इससे अभी भी हमें डरने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें।